सलमान खान और संजय दत्त का एपी ढिल्लों वाला नया गाना अब रिलीज हो चुका है। करीब 14 साल बाद सलमान और संजय दत्त किसी प्रोजेक्ट में साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस साथ दिखाई देने वाली बात में जरा सा ट्विस्ट है जिस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो ये कि ओल्ड मनी गाने पर कई महीनों से चर्चा हो रही थी, अब फाइनली ये रिलीज हुआ है और इसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। चारों तरफ इसी गाने की चर्चा है। कुछ को ये बहुत पसंद आ रहा है तो कुछ कह रहे हैं कि एपी ढिल्लों ने बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। कुछ लोग तो हिमेश रेशमिया को भी बीच में ले आए। पहले बात गाने की। वीडियो शुरू होता है और एपी किसी से लड़ने की तैयारी में भागते नजर आते हैं। फिर एपी को गुंडे पकड़ लेते हैं और सलमान उन्हें छुड़ाने आते हैं। बदमाशों से चार चार हाथ करते हैं, तड़ाक तड़ाक गोलियां चलाते हैं। फिर अंत में एपी के पास आता है एक फोन, किसका? संजू बाबा का। एपी को हिदायत देने के बाद वो सलमान से भी बात करते हैं और गाना खत्म होते होते कहते हैं, ठीक है भाईजान, शाम को मिलते हैं। फुल टू पंजाबी गाने के फॉर्मूले पर ओल्ड मनी को भी बनाया गया है। इसमें गाड़ियां हैं, बंदूकें हैं, मार धाड़ है, स्वैग है, मसलन वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक पंजाबी गाने में अमूमन पाए जाते हैं। सिर्फ एक चीज जिसे दर्शक सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं वो है सलमान और संजय दत्त की स्क्रीन शेयरिंग। एपी ढिल्लों ने अभी तक जितना गाना रिलीज किया है उसमें तो संजय और सलमान एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों के अलग अलग शॉट्स लिए गए हैं। दोनों सिर्फ फोन पर एक दूसरे से बात करते हुए दिखाई गए हैं। जिस तरीके से गाने को छोड़ा गया है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाने का एक दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें संजय दत्त और सलमान फिर आमने सामने होंगे। हालांकि रिलीज हुए म्यूजिक वीडियो को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस गाने ने तहलका मचा दिया है। लोग कह रहे हैं इसे गाना नहीं पूरी की पूरी फिल्म घोषित कर देना चाहिए। एक यूजर ने लिखा, सलमान खान की एंट्री गाने की जान है, गाने के बीट्स, म्यूजिक सभी बिल्कुल ऑन पॉइंट है, टाइगर लौट आया है। एक ने लिखा, एक सुपरस्टार को स्क्रीन पर ऐसे ही प्रेजेंट होना चाहिए, आशा करता हूँ कि सिकंदर में भी सलमान ऐसे ही दिखाई देंगे। पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये गाना नहीं पसंद आया। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, भाई मैंने सलमान खान और संजय दत्त के बीच क्लैश और मारधाड़ की उम्मीद की थी, एपी ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वहीं कुछ लोग तो इस गाने में हिमेश रेशमिया तक को घसीट लाए हैं। यूट्यूब पर दर्जनों लोगों ने लिखा है कि सलमान खान को हिमेश रेशमिया के साथ भी ऐसा ही एक सॉन्ग वीडियो लाना चाहिए। खैर, आपको ये गाना कैसा लगा? अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये जानकारी जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।